पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। पार्टी जरा के मुताबिक जलसा अब पीर को होगा। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई ने आज होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया है और पीटीआई के मुताबिक जलसा पीर को होगा। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। पार्टी जरा के मुताबिक अब यह जलसा पीर को होगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। पार्टी जरा के मुताबिक अब ये इजलास जो है और ये एहतजाज जो है वो पीर को होगा। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। पार्टी जराए के मुताबिक जलसा पीर को होगा। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया है। जराए के मुताबिक पार्टी के मुताबिक जलसा पीर को होगा। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। पार्टी जराए के मुताबिक जलसा पीर को होगा। अहम खबर जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई के आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया गया है। पार्टी जराए के मुताबिक जलसा अब पीर को होगा। पीटीआई ने आज इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज को मुलतवी कर दिया। तफसीला जानते हैं उसामा इकबाल से। जी उसामा बताएगा, पीटीआई ने आज एहतजाज को मुलतवी कर दिया है। बिल्कुल, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद में आज एहतजाज होना था उसको मुलतवी कर दिया गया है और जराए के मुताबिक ये पता चला है कि अब जो एहतजाज है वो पीर को किया जाएगा। ये मुलगिर एहतजाज की कॉल दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो MWM और साथ में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है मुश्तरका, इनकी जमात ने एक मुलगिर एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद में होने वाला जो एहतजाज है वो आज इन्होंने मौखर कर दिया है और अब पीर को एहतजाज किया जाएगा। अभी तक अदालती फैसला जो है वो आना बाकी है, उसके बाद पता चलेगा कि किस दिन की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जो जराए से हमें बात पता चली है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज का जलसा मुलतवी करके पीर के दिन करने का ऐलान किया है। जी सही, उसामा आपका शुक्रिया।